हैं आप सब, दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो हो चुका है जुम्मतुल विदा, जुम्मा हो चुका है और दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे जो हूँ दावत इफ्तार की जो है वो तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं आलू का जो है पेस्ट तैयार कर रही हूँ, मतलब मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, पापड़ी के ऊपर जो आलू डाल के खाते हैं उसका मसाला डाल के खाते हैं तो वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे आलू पक रहे हैं और साथ साथ जो है ये वाइट चने, ठीक है, चना चाट बनानी है, वही पकोड़े, समोसा, चना चाट, दही फुल्कियाँ और फ्राई आइटम्स ये होंगे। तो दावत इफ्तार है आज, दो फैमिलीज जो हैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो आएंगे जो है इफ्तार पे। तो आज के दिन जो है वो है दावत इफ्तार। इसके अलावा तैयारी जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट है, किचन पूरा क्लीन है और इंट्रेंस भी जो है वो मैंने माशाल्लाह से सजा दी है। ये देखें, ये मेरी इंट्रेंस है, शू रैक है, तो ये भी माशाल्लाह से हो चुका है क्लीन। अभी ये लॉन्ड्री लगाई थी, ये अभी मैं तह लगाती हूँ उसको बाद में। हॉल भी जो है तकरीबन क्लीन हो चुका है, बेड मैंने सेट कर दिया है माशाल्लाह से। उसके अलावा ये टेबल भी क्लीन कर दी है, रात में काफ़ी काम करके मैं सो गई थी तो आसानी हो गई थी, और ये भी माशाल्लाह से क्लीन है। और क्रॉकरी मैंने निकाल दी है, जो जो चाहिए मुझे अफ्तार के लिए, दावत अफ्तार के लिए, वो सब मैंने टेबल पे निकाल के रात में ही रख ली है। तो ये जग, ग्लास और ट्रेस डिफरेंट, ये चटनी, केचप और रायते के लिए निकाली है, ये रमादान करीम, इसमें मैं रखूँ खजूर, और ये ट्रे है, स्पून्स का स्टैंड निकाला है और ये डिशेस निकाली हैं। तो ये तमाम जो है क्रॉकरी ये इस्तेमाल होने वाली हैं। हॉल क्लीन है, बच्चे नहा धो लिए हैं माशाल्लाह से। अब देखें 2 बज रहे हैं, जुम्मतुल विदा जो है वो ख़त्म हो गया है माशाल्लाह से। हॉल की लुक कुछ ऐसी है माशाल्लाह फाइनल। उसके अलावा बेडरूम भी काफ़ी हद तक सेट हो गया है, सारा क्लीन कर लिया है मैंने, बेड भी सेट कर लिया है, इंट्रेंस भी काफ़ी खुली हो गई है, वॉशरूम वगैरह सब धुल चुके हैं, बेड भी मैंने सेट कर दिया, और ये रात के जितने भी ब्लैंकेट्स और पिलोज़ हैं ये मैंने यहाँ साइड पे रख दिए हैं। तो माशाल्लाह से बेडरूम हमारा क्लीन है और ड्रेसेस भी माशाल्लाह से मैंने निकाल लिए थे, वो दिखाती हूँ आज कौन कौन आउटफिट, कौन से आउटफिट जो है वो वेयर करेंगे। तो ये है मेरा दुपट्टा सूट का, और ये है इसका ट्राउज़र, और ये है इसकी शर्ट, ये है इसकी शर्ट, और ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो हस्बैंड के दोस्त हैं उनकी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था, वरदास की ये शर्ट है, ये मैं वेयर करूँगी। ऑफ वाइट कलर का हस्बैंड का शवा कमीज़ का सूट है, वो ये वेयर करेंगे, और ये उमर पहनेंगे ताफ्तान कहते हैं इसे, तो ये पहनेंगे, अरबी ड्रेस पहनेंगे उमर ये वाइट कलर का, जरताशा जो है ये ग्रीन कलर का ड्रेस पहनेंगी, शलवार कमीज़ और साथ स्कार्फ पहनेंगी, और ये जो है ये जरताशा की पुप्पो ने जो है जरताशा को गिफ्ट किया था जब वो लास्ट टाइम आई थी, तो ये उस वक्त इनको बड़ा था लेकिन अब जो है इनको माशाल्लाह से पूरा है, तो ये पहनेंगी, और ये जरताशा के जो फुप्पा हैं मतलब नंद के जो हस्बैंड हैं उनकी चॉइस थी, उन्होंने स्पेशली जो है एक सूट चॉइस चूज़ किया था, उसमें से एक ये सूट, इसमें एम्ब्रॉयडरी है, ये हमारे आउटफिट्स हैं माशाल्लाह से, तो ये हम वेयर करेंगे जी। जरताशा बच्चे भी नहा धो लिए हैं माशाल्लाह से, आज था जुम्मा, इतनी जल्दी जो है रमज़ान गुजर गए पता ही नहीं चला, और मैं तो खैर कामों में बिज़ी रही ज़्यादातर, 10 दिन तो मेरे इसी में ही गुजर गए जी। मैडम क्या चाहिए आपको? चॉकलेट बार। चॉकलेट बार, तो बस ये पक रहा है, इसको मैं हल्की आंच पे रखती हूँ, चूल्हा भी मैंने क्लीन कर लिया था दोबारा से जो है ना, हालांकि रमज़ान से पहले मैंने सफाई की थी, दोबारा से मुझे सब क्लीन करना पड़ा, ये चूल्हे से ऊपर सारा मुझे क्लीन करना पड़ा, चूल्हा मुझे क्लीन करना पड़ा, यहाँ से ओवन क्लीन करना पड़ा, सारी स्लेब्स वगैरह सब जो हैं दोबारा से क्लीन करनी पड़ी, तो काफ़ी काम बढ़ गया था। खैर ईद के साथ ईद की सफाइयाँ भी हो गई हैं साहब, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि अब ईद पे जो है वो कोई काम नहीं होगा।
चले बस तैयारी करती हूँ, कोशिश करूँगी जो जो होता रहे वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। और मुझे पता है अब मुझे मोबाइल उठाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मोबाइल उठाऊँ और रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि मेन्यू में अफ्तार दावत अफ्तार में क्या क्या मैं बना रही हूँ। ज़्यादातर तो फ्राई आइटम है और वही जो हमारा होता है। ये सारा मैंने लिखा हुआ है मेन्यू में क्या क्या है, सारा टिक मार्क किया हुआ है, बस ये है सब मेन्यू। चलते हैं। तो ये ब्लैक चने रेडी हो चुके हैं, इस पे मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता के जो है वो तड़का लगाया है। तो काले चने भी मेरी हो चुके हैं रेडी, बस मैं इसको एक घंटा पहले जो है इसमें बारीक बारीक प्याज काटूंगी और हरा धनिया डालूंगी, तो काले चने जो हो जाएंगे मेरे रेडी। इसमें मैंने डाली है इमली का पेस्ट, इसमें मैंने चाट मसाला और नमक डाला है। तो ये काले चने भी हो चुके रेडी। जब मैं बना रही थी तो याद ही नहीं रहा मोबाइल उठाऊं, तो अब जब मैंने तड़का लगा दिया जीरे का और कड़ी पत्ता का, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये काले चने हो चुके हैं रेडी, प्याज और हरा धनिया मैं डालूंगी बाद में, क्योंकि वो फिर बहुत पानी छोड़ देगी प्याज, तो इसलिए। तो अभी 3-4 घंटे हैं, तो बस मैंने इसी को ही रेडी करके रख लिया ताकि चाट मसाला और जो इमली का पेस्ट है वो इसमें अच्छे से जो है ना अंदर जज्ब हो जाए, जायका आ जाए चनों के अंदर। ये आलू भी हो चुके हैं रेडी, गल गए हैं। अब मैं इसको मैश करूंगी गरम गरम और इसको फिर इसी के पानी में और पकाऊंगी, क्योंकि हमें जो है ना इसकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी चाहिए। अच्छे से मैश कर लिया है इससे, अब इसको मैं इसमें इसी पानी में इसको और पकाऊंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी इमली और इसके बाद फिर हरा धनिया डाल के ये हो जाएगा रेडी। जी तो ये आलू का मिक्सचर भी हो चुका है रेडी, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगी ताकि थोड़े थोड़े आलू जो के जो पीसेज हैं वो मुंह में आएंगे तो भी अच्छा लगेगा। बस मैं इसमें एंड में जो है ना वो हरा धनिया डालूंगी और इसको डिश आउट कर दूंगी। पापड़ी अलग से फ्राई करूंगी और इसको अलग से सर्व करूंगी, और जब खाना होगा एंड टाइम पर तो पापड़ी के साथ फिर हम इसको खाएंगे। दो चीज़ें हो चुकी हैं मेरी रेडी, काले चने और ये आलू का मसाला या आलू की प्यूरी कह लें आप, ठीक है ये रेडी होगी। अब मैं कर रही हूँ चना चाट और दही फुलकियों को रेडी। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है दही फुलकियाँ और चना चाट। दही फुलकियों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। जी तो चना चाट हो गई है रेडी, एंड मैं इसको मिक्स करूँगी मसाले डाल के। पुदीना और हरा धनिया की चटनी बनाती हूँ फ्रेश दही फुलकियों के लिए। दही में मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लहसुन का एक जवा। उसको अच्छे से ना पीस के और फिर मैंने इसको इस दही में मिक्स कर लिया है। बस इसमें मैं थोड़ा सा पतला पानी रखूँगी दही फुलकियों का, क्योंकि जब फुलकियाँ इसमें जाएंगी तो वो पानी जब्स कर लेंगी, पी लेंगी। उसके अलावा ये आलू का भी मैंने मिक्सचर जो है डिश में निकाल दिया है, और काले चने भी जो हैं डिश आउट कर दिए हैं मैंने, ढक के रख दिए अभी फिलहाल। रायता मैंने बना के रख लिया है, तो अभी बस दही फुलकियों की तैयारी है। अभी बेसन में नमक और ज़ीरा डाल के फुलकियाँ फ्राई करती हूँ और इसमें डालती हूँ बर्तन। और हाँ, मैंने बनाए हैं 3 तरह के जूस, मतलब शरबत। एक है लेमन और तुखु मलंगा और रूह अफ़ज़ा का ये शरबत बनाया है, और मैंगो टैंग का ये शरबत बनाया है, और दूध वाला शरबत वो बनाया है मैंने, ठीक है। तो 3 तरह के, और ठंडा पानी मैंने रख दिया है। तो ये हो चुका है, अभी मैं फ्राई करती हूँ फुलकियाँ बेसन की। दही फुलकियाँ हो रही हैं फ्राई, और दही फुलकियों का जो दही वाला मिक्सचर है वो है रेडी। देखिए मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि अभी फुलकियाँ भी जो हैं वो पानी जो है वो पी लेंगी, चूस लेंगी, तो इसीलिए जो है इसको थोड़ा मैंने पतला रखा है। इसको आपने पतला रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसे जैसे ये आपको भी नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो बस ये फुलकियाँ फ्राई होती हैं तो मैं इसमें डालती हूँ। फिर ये हो चुकी हैं रेडी, बस इसमें मैं लाइट ब्राउन लाइट गोल्डन कलर करना है आपको, और इसमें डाल देना है इसको डायरेक्ट। पहले मैं क्या करती थी, नमक वाले पानी में डालती थी फिर इनको, फिर मैं दही वाले पानी में डालती थी, लेकिन अब मैंने ये सीखा है कि आप डायरेक्ट जो है ना वो दही में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दें और आप आराम से जो है ना इनको नरम कर लें।
सोडा डालना पड़ेगा आपको थोड़ा, तो सोडा डाला है ताकि थोड़ी सी दही फुलकियाँ जो हैं वो फूल जाएं। तो बस इस तरह रेडी है, सारा पानी चूस लेंगे। कम से कम आपने इसको आधा घंटा पहले जो है ना रेडी करना है, क्योंकि फुलकियाँ जो हैं थोड़ा टाइम लेती हैं सेट होने में। तो अब ये दो घंटे हैं मेरे पास, तो ये आराम से सेट हो जाएंगी। हर 5 मिनट के बाद जो है दही फुलकियों को आप जो है अच्छे से मिक्स कर लें ऐसे करके। ग्रीन चटनी भी हो गई है मेरी रेडी। कबाब यहाँ गरम करने के लिए रेडी है यहाँ पे मैंने, और नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। पापड़ी तैयार कर दी है जो आलू के साथ थी, और पालक के पकोड़े, सब कुछ कटिंग रेडी है। पंजाबी समोसा अभी मैं फ्राई करूंगी। तकरीबन किचन भी सारा क्लीन है। चना चाट मेरी ये रही। चाइना लुक इंशाल्लाह आपको जब दस्तरखान लग जाए। अभी ये डिशेस बची हैं, इनमें डालनी है चीज़ें। और ये थोड़ा सा दस्तरखान जो है सजाया है, ये सजाया है, डाइनिंग खाली है क्योंकि हम नीचे बैठ के जो है इफ्तारी करेंगे। तो अभी हमारे पास तकरीबन पूरा 1.25 घंटा है। और ये रही दही फुलकियाँ, काले चने, खजूर, चटनियाँ, रायता, केचप, और ये आलू का मिक्सचर, और ये हैं शरबत, और डिस्पोजेबल बर्तन और ग्लास। और ये दोनों भी जो हैं हो चुके हैं रेडी माशाल्लाह से। सरताशा कैसी हैं आप? क्या हो रहा है आज आपके घर में? पार्टी। पार्टी नहीं, अब दाल चलेगी। दावते अफ्तार। दावते अफ्तार के जी सारा है क्लीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। दही फुलकियाँ, चना चाट, समोसे, रोल, पंजाबी समोसा, आलू, काले चने, चटनियाँ, सॉस और रायता, सॉरी केचप, खजूर, फ्रूट चाट, कबाब, नगेट्स, पापड़ी, ये आलू के लिए फ्राइज और पकोड़े अभी फ्राई हो रहे हैं, तो ये अभी एम्प्टी है। तो माशाल्लाह सारा हो चुका है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। दावत अफ्तार माशाल्लाह से, और ये 3 तरह के शरबत और पानी और डिस्पोजेबल बर्तन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे भी हैं रेडी और अफ्तार में रह गया बस 15 मिनट। जी तो बस 10 मिनट रह गए हैं। दस्तरखान माशाल्लाह सारा रेडी है। उमर और जरताशा जो हैं वो दुआ के लिए बैठ चुके हैं, मेहमान बस आने वाले हैं खैर के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब देखिए मुझे जी, आपको मेरे साथ बैठना है। ओके चले जी, पकौड़े भी हो गए थे रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, जुम्मतुल विदा। माशाल्लाह आ गए हैं मेहमान नंबर 1। वो खुद जा भी नहीं रही खुद से। अस्सलामु अलैकुम, आ जाए आ जाए। अस्सलामु अलैकुम सताशा भाई, आप क्या वक्त छोटा हो गया? हाँ छोटे छोटे लग रहे हैं, झुके झुके लग रहे हैं।
रिमूव योर शूज। चला दो। तबीयत कैसी है? पकोड़े चल रहे हैं? यही काम रह गया बस तेरा। भाई हसीब को कॉल कीजिएगा। हाय से हाय दानू। अस्सलाम वालेकुम। जानू जानू। वो हैरान हो रही है। चले आप लोग बैठे। उमर बैठो बाबा, दुआ करें जल्दी से। ये रह गए थोड़े से पकोड़े। बस अब अफ्तारी होने वाली है, एक गेस्ट रह गए हैं आने, बस वो रास्ते में होंगे और अफ्तार जो है वो हमारी खुल जाएगी। जाए बैठे। जब मैंने कॉल नहीं लेती है ना, मैं कॉल नहीं लेना समझ गया था, या तो वॉशरूम का हो या तो सो रहा होगा। कैसे डालना तारी तो माशाल्लाह से हो चुकी है डन। दावत अफ्तार जो है ख़त्म हो गई है, सब जो है नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये बज गई है अफ्तारी। तो मेरी दो दोस्तों के घर से आई थी अफ्तारी, जो मैंने अभी तक खोली नहीं है क्योंकि अपनी अफ्तारी में लगी हुई थी, तो मैंने कहा आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये है जनाब चावल आए थे माशाल्लाह से। ये एक और दोस्त ने जो है अफ्तारी दी है, इसमें खजूर है माशाल्लाह से, उसके अलावा होटल। तो ये एक फ्रेंड के घर से आई है और ये एक फ्रेंड के घर से आई है अफ्तारी। तो ये थी जनाब दावत अफ्तार, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। दावत अफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हो चुके हैं रात के 2 माशाल्लाह से, बच्चों के सोने का टाइम हो चुका है, आज बहुत लेट सो रहे हैं हम। सारा क्लीन हो चुका है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे लिए गिफ्ट आया है, ये बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। सारी बर्तन जो हैं वो धुल चुके हैं, यहाँ मैंने ड्राई करने के लिए रख दिए हैं। हाफ जो है मैंने यहाँ ड्राई करने के लिए रख दिए हैं। जग ग्लास बेसन मेरा माशाल्लाह से बस चाय के बर्तन हैं। सिंक जो है वो भी माशाल्लाह से हो चुका है क्लीन। तो तकरीबन किचन भी मेरा है माशाल्लाह से क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। कचरा भी फेंक दिया है, बर्तन भी यहाँ पे सारे क्लीन हैं, किचन भी क्लीन है माशाल्लाह से, रूम भी मेरा माशाल्लाह से क्लीन है। रात के 2 बज रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको दिखाना था ये गिफ्ट। तो एक फैमिली जो है वो मेरे लिए लेकर आई है गिफ्ट, और उनको पता था कि भाई मुझे जो है क्रॉकरी बहुत पसंद है, तो उसी हिसाब से वो ये लेकर आए हैं टी सेट माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच हसीब और फरा ने जो है मुझे ये गिफ्ट दिया है। चलें जी, लेती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर मेरी ये वीडियो दावत अफ्तार आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। तो फिर ये मिकाल का है दोनों, ये हम दोनों ने ले लिया। चलो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें सेहतमंद रहें। और जी वीडियो को देखे, ये हमारा मोबाइल है। ओके टंकर जी, ये मेरा मोबाइल है और बाबा यहाँ सुनेंगे। बाबा सुबह ऑफिस जाएंगे बेटा। चलें जी, ओके अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईद भी बस करीब आने वाली है, आज है 27वीं शब है, सॉरी। तो बस खैर के साथ अफ्तार दावत अफ्तार हमारी अब हो चुकी है एंड अल्लाह हाफिज़।